तो गाइस चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, दिखाएं आपको। तो देखो, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं अपने रघु भैया को। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज का कुछ ऐसा सीन पानी है, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है, और वो इंटरसेप्टर की आवाज़ सुन के ना मेरे से रहा नहीं जा रहा है इतना। तो पहले तो आप ये देख लो, ये अपनी दनो घड़ी है, पूरी पैक पुक होके वो अपना शेर खड़ा है। तो आज मौसम देख लो, मौसम खराब ही, आज बिल्कुल बारिश वरिश वाला मौसम हो चुका है। तो गाइज आज क्या करने लगे हम, वैसे आपको थंबनेल से पता लग जाएगा क्या करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे व्लॉग को, चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो जाके सब्सक्राइब कर दे, और जो अरे कहना क्या चाहते हो अपने हैं रघु भैया की गैंग वाले, वो लाइक शेयर कमेंट टाइम सब कुछ चाहो, आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत तो है नहीं, तो जाके वो सब कुछ कर दो गाइज। तो अब बताते हैं आपको मेन चीज, तो वैसे थंबनेल से लग गया होगा पता। तो गाइज ये देखो, ये क्या है, ये है अपनी बीस्ट के एग्जॉस्ट। तो ये देख लो एग्जॉस्ट, ये ओरिजिनल वाले एग्जॉस्ट हैं, इनकी आवाज़ भी सुनाता हूँ आपको। और बाइक कितनी गंदी हो चुकी है ना, क्योंकि पारस की बाइक की डिलीवरी लेने गए थे, तो रास्ता इतना ख़राब था, वो आप देख चुके हो रास्ता कितना ख़राब था, और बारिश भी हुई थी, तो बिल्कुल ही बाइक गंदी हो चुकी है। ये देखो कहाँ कहाँ तक गया हुआ धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ, इसको धोना भी पड़ेगा। तो पहले एग्जॉस्ट को फिट करते हैं, और पहले आपको एग्जॉस्ट दिखाता हूँ कौन से कलर के हैं, क्या हैं, कैसे हैं, और कौन से वाले हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आपने देख ली यहाँ पे हमारी अनबॉक्सिंग, जो कि हमने टाइम लैप्स लगा दिया था। तो ये देखो गाइज, ये हमारे एग्जॉस्ट जो कि है रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले। तो ये है हमारे रेड रूस्टर एग्जॉस्ट। तो गाइज दिखाएं आपको, तो देखो ये देखो गाइज, ये हमारे ब्रांड न्यू एग्जॉस्ट। और फटे कहाँ से, उल्टा तो नहीं खोल दिया मैंने। ये देखो गाइज, ये चेक करो, ये इसके साथ मैनुअल मिला है, इसका कुछ मैनुअल्स मिले हैं इसके, कैसे लगाना कैसे नहीं लगाना। तो और क्या क्या मिला इसके साथ, ये मिले इसके साथ इसके कवर, ये स्टिकर मिले होंगे, स्टिकर है ना, हाँ ये देखो ये स्टिकर मिला है, और ये आपके कवर मिले हुए हैं, ये थोड़े से नट बोल्ट मिले हुए हैं कसने के लिए, ये वो हैं, और ये हैं एग्जॉस्ट। तो गाइज अब एग्जॉस्ट दिखाऊँ आपको, तो पहले कमेंट डाउन करके बताओ जिसको रेड रूस्टर पसंद आया, जिसको गुड सेवक पसंद है, और ए डब्ल्यू ई के तीनों पार्ट जिसको पसंद है, मतलब पार्ट मतलब एक आता है 101, एक आता 102, एक आता 103। तो कौन कौन सा पसंद है, पहले मैं सोच रहा था ए ई डब्ल्यू वाले लगाऊँ, पर वो मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे। फिर जब मैंने इस पे इंटरसेप्टर पे देखे, भाई साहब क्या हाथ लग रहे थे, वो था AEW 103 एग्जॉस्ट थे वो वाले, तो वो क्या खतरनाक एग्जॉस्ट थे। उनमें भी डीबी कलर आता है, और इसमें भी डीबी कलर आता है रेड रूस्टर के, जो ये परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है इसमें भी डीबी कलर आता है, और गुड सेवक में नहीं आता, और उसकी आवाज़ थोड़ी सी से ढक 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 सी आती है। तो गाइज पहले हम क्या करते हैं, पहले आपको हम दिखा देते हैं साइलेंसर बोल रहा हूँ, एग्जॉस्ट खोल के दिखा देते हैं। तो गाइज फिर से शिफ्ट हो जाओ उधर। तो गाइज अब निकालते हैं बॉक्स से हम एग्जॉस्ट को। तो गाइज ये रहे हमारे एग्जॉस्ट, इनमें देखो ब्रांडिंग की गई है, आपको दिख रहा है रेड रूस्टर क्या लिखा, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस। तो ये अपने दोनों ग्लॉस फिनिश में, तो इनको रखते हैं साइड पे कहीं ख़राब ना हो, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये इसके कवर जो कि एग्जॉस्ट के ऊपर लगेंगे, ये भी ग्लॉस फिनिश में है, इनको भी साइड में रख दें खोल के, ख़राब ना हो।
लगने के बाद तो वैसे भी धोनी है बाइक, तो ये देख लो ग्लॉस फिनिश में, मैट मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे। और ये इसके कुछ गाइस आपने देख लिया हमारे एग्जॉस्ट कैसे लगे, एग्जॉस्ट कमेंट डाउन करके बताना। ये रखे हैं हमने एग्जॉस्ट, ये अपने एग्जॉस्ट रखे हैं, और ये अपने जो एक्चुअल एग्जॉस्ट आते हैं बाइक के साथ वो हैं। इनकी आपको इनिशियल आवाज़ सुना देता हूँ, सुनना इनकी इनिशियल आवाज़। तो एक बार ऑन कर देते हैं, ये ऐसे करके जाते हैं कितना मज़ा आता है। तो इनको एक बार ऑन करके दिखा देते हैं आपको कैसा लगता है। तो गाइस कमेंट ज़रूर करके जाना यार, कमेंट तो करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये देखो अब इसको ऑन करते हैं। तो गाइस ये ऐसे ही बिना एग्जॉस्ट से ही मेरे को लाउड लगते हैं वैसे तो, पर किसी टाइम पे जाके जो हमने इंटरसेप्टर देखा था, भाई साहब क्या इंटरसेप्टर लग रहा था यार। वो भाई ने बहुत चीज़ें करवाई हैं उसमें, पर हमें भी अपने जीटी में करवाना ही है, सब कुछ कराएंगे हम जीटी में। तो ये देख लो इनिशियल आवाज़ साउंड सुन लो इसकी, इनिशियल साउंड गाइज। ये हमारा जीटी की साउंड जो कि है स्टॉक एग्जॉस्ट से। तो इनको चेंज करते हैं, हमें नट वगैरह खोलने पड़ेंगे, दिखाता हूँ मैं। एक ये वाले नट खोलने पड़ेंगे, एक नीचे इसके दिए हैं, और वो कवर ये वाले हैं, ये कवर जो है ये कवर, तो इसके नीचे दिए गए हैं। दोनों साइड ऐसे ही है, ये देख लो दोनों साइड यही चीज़ है, नट खोलने पड़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज वेट एंड वॉच गाइज। तो गाइज हम आ चुके हैं मैकेनिक वाली शॉप पे, तो मेरे से तो नहीं खुल रहा था ये, और वहाँ पे देखो हमारा एग्जॉस्ट खोल रहा है, लगे हुए तीन चार बंदे। पहली बार देखी भाइयों ने बाइक ये है ना, कैसे लगे कैसे बोल रहे थे ना। तो गाइज यहाँ देख लो अपने एग्जॉस्ट खुलने स्टार्ट हो चुके हैं, नट बोल्ट खुल रहे हैं। तो गाइज मजा लो खुलने का, आप देखो देख बच गया। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, अब देखो। तो गाइस देखना आप बिना एग्जॉस्ट के, कोई भी एग्जॉस्ट नहीं लगा, स्टार्ट होने लगा, देखो भाई साहब देखो यार खतरनाक की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर चला हो। ओ भाई साहब कितनी खैंट आवाज आ रही है। तो गाइस आवाज तो बड़ी मस्त आ रही है ऐसे, टक टक वाली। तो गाइस अब होने लगे हमारे रेड रूस्टर फिट, देखो खुल रहे रेड रूस्टर के सारे नट बोल्ट, और अपने जीटी के नट बोल्ट तो खुल गए हैं सब कुछ। तो अब जीटी में फिक्स करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो तब तक वेट एंड वॉच गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे, आपने देख लिया हमने एग्जॉस्ट लगाया है। पहले मैं ट्राई कर रहा था खोलने की, पर मेरे से खुल नहीं रहा था, सब कुछ खुल गया था, बस जो नीचे वाला नट है ना ये वाला नट ये नहीं खुल रहा था, ये जो नट है। तो गाइस अब दिखाऊंगा आपको अपने रेड रूस्टर जो आपको पता हमने डला लिए। तो ये देखो ये अपने रेड रूस्टर, ये लिखा हुआ सब कुछ, ये देखो रेड रूस्टर, ना क्या बोल रहा हूँ मैं, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले। तो गाइस करें इसको स्टार्ट, आप इसकी इनिशियल साउंड सुनो, देखो। तो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं, ना स्टार्ट रखा हुआ था ये, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सुनो ये है बिना डीबी किलर के साथ, सॉरी ये है डीबी किलर के साथ। आवाज़ देखो इसकी, थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा इसके अपने बेबी को समझने देते हैं इसके अंदर कुछ लगा। तो गाइस देख सकते हैं, एक तो गर्मी पड़ रही है, पसीना देखो कैसे पड़ रहा है मेरे को, बुरे हाल से पसीना पड़ रहा है। सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार, तो सपोर्ट दिखाओ गाइस, जाके सब्सक्राइब करो और करवाओ भी। तो गाइस अगला व्लॉग हम बनाएंगे इस धनों पे, जल्दी से जल्दी व्लॉग बनाएंगे इस धनों पे। और चलो अब चलते हैं, आपको साउंड सुनाता हूँ, हम साउंड सुनाता हूँ आपको अब अपने रेड रूस्टर की, सुनो। आए हाय भाई साहब पटाखे मार रही है पटाखे। तो गाइज आप खोलते हैं इसके टीवी किलर जो कि लगे हैं, ये भाई साहब हवा दे रही है तगड़ी, ये देखो ये टीवी किलर लगे हुए हैं, ये खोलते हैं इनको, और पसीना देखो कैसे पड़ रहा है। तो टीवी किलर खोलते चलो गाइस, ये देखो
ये कुछ ऐसे ढंग से खुलेंगे। मैंने पहले इनकी एलकी निकाल ली है, एलकी लगती है इसमें, पर ये ढंग से खोलने पड़ेंगे मेरे को। ओ भाई साहब कहाँ गया। One hour later. तो गाइज हमारे यहाँ पे डीबी किलर खुल चुके हैं, मतलब नट खुल चुका, और आप मेरी हालत देख सकते हो कितनी गर्मी लग रही है, पसीना पड़ गया बहुत ज़्यादा। तो ये देखो नट खोल दिए हमने, ये डीबी किलर निकलाए हैं, ये देखो ये है डीबी किलर्स, इसके डीबी किलर्स, और दूसरी साइड का भी ये डीबी किलर, ये देखो ये निकल गया डीबी किलर, इसके अंदर का आप देख सकते हो, ये देखो अब पूरा खुल चुका है, सब कुछ खुल चुका है, इसके अंदर देख सकते हो आप पूरा खुल चुका है। तो गाइस करते हैं इसको स्टार्ट, इसको थोड़ा बीबी को गर्म होने देते हैं, इसको थोड़ा स्टार्ट करने के बाद, भाई साहब पसीना बहुत पड़ रहा है, देखो ये देखना, ये देखो ओ भाई साहब पसीना पसीना। तो करते हैं इसको ऑन, इसको पहले देखते हैं, मेरे को भी कुछ हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। 1 2 3 भाई साहब एग्जॉस्ट सुनो यार, दूर से ही गम 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 हो रही है, सुनो यार गाइस सुनो, इसको पहले ऐसे रहने देते हैं 5-6 मिनट, इसको ऐसे रहने देते हैं, भाई साहब यहाँ तक हवा बज रही है यहाँ तक। तो गाइस ये रहे इसके डीबी किलर्स, ये देखो ये रहे इसके डीबी किलर्स, और वो है साउंड सुन सकते हो यार, आप दूर से साउंड सुन सकते हो उसकी, ये डीबी किलर्स रहे इसके। भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या अत लग रही है, अत लग रही है, अत जिसको बोलते हैं ना अत, ये देखो यार साउंड सुनो साउंड, तो गाइस अब टाइम है रेव करने का, इसको रेव दिखाते हो आपको, इसकी साउंड सुनाते हैं आपको रेव करके। तो गाइस ये देखो हम कर रहे हैं इसको रेव अब। ओ भाई साहब मजा आ गया, ये सुनो यार मतलब बंद कर देते हैं, मतलब बिना डीवी किलर से फायर है ये फायर। तो गाइज आप देख चुके हमारे रेड रूस्टर लग चुके हैं बाइक पे। तो गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस व्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। तो गाइज लाइक करके जाना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर जाना कि रेड रूस्टर कैसे लगे गाइज, और ये अपनी जीटी भी कमेंट कर दो कैसी लगती है जीटी। तो गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर गाइज।